आज ना एक बहुत तगड़ा सा कंपैरिजन लेके आ चुका हूँ। आपने भाई आज से पहले नहीं देखा होगा। ये है स्कॉर्पियो N का Z6 वेरिएंट और ये है Z8 वेरिएंट। ये जो दोनों वेरिएंट है स्कॉर्पियो N के, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी और काफ़ी डिमांडिंग वेरिएंट है। महिंद्रा ने आखिरकार 9 महीने बाद दो बच्चे अपने पैदा कर दिए, एक तो Z6 वेरिएंट और Z8 वेरिएंट। अब पता नहीं इनका एक और बच्चा है जो Z2 वेरिएंट है उसको कब पैदा करेंगे, कितना टाइम उसकी डिलीवरी में होने में लगेगा। भाई ये अब अपने यहाँ पे भी आ चुकी है, इनमें बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले इनकी हेडलाइट देखो, जो ये Z6 वेरिएंट है यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है और जो Z6 वेरिएंट की रेडिएटर ग्रिल है यह सिल्वर फिनिश के साथ में दी गई है। इस Z6 वेरिएंट में कोई फॉग लाइट जो है आप लोगों को नहीं मिलती है, बट नीचे क्या है यहाँ सिल्वर क्लैडिंग मिल जाती है। अब Z8 वेरिएंट में देखो भाई, यहाँ पे क्या है पूरी क्रोम वाली तो इसकी रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। जो गाड़ी की हेडलाइट है ये प्रोजेक्टर LED वाली मिल जाती है लो बीम में, और हाई बीम जो है यहाँ पे आपको LED मिलेगा। सिक्वेंशियल इंडिकेटर इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं और जो फॉग लाइट है वो भी आपको LED में मिल जाती है, और DRLs हैं वो भी इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में यूँ है भाई, इस Z8 वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है कंपेयर करोगे Z6 से, और Z8L से भी कंपेयर करोगे ना तो इसके अंदर में सिर्फ कैमरा और जो पार्किंग सेंसर है। फ्रंट प्रोफाइल में सिर्फ यही दो चीज़ें कट हुई हैं। अब साइड प्रोफाइल में देखो इनके ORVMs, Z6 वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, बट जो फोल्ड एंड अनफोल्ड है ये मैन्युअली ही करने पड़ते हैं, और जो ये Z8 वेरिएंट है यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। जैसे मैं गाड़ी को लॉक करूँगा ना तो ये देखो गाड़ी के ORVM फोल्ड हो गए, और अनलॉक करने पर ये अनफोल्ड नहीं होंगे। जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा जब इसके ORVMs जो हैं अनफोल्ड हो जाएंगे। बाकी जैसे आप इनकी स्टेप्स देख रहे हो ना, ये दोनों ही गाड़ियों में ब्लैक कलर के साथ में मिलते हैं, और यहाँ पे साइड में क्या है दोनों ही गाड़ियों में सिल्वर क्लैडिंग भी मिल जाती है। डोर हैंडल्स जैसे देखोगे इस Z8 वेरिएंट में यहाँ पे आपको क्रोम के साथ में मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी इनके ऊपर में मिल जाता है, बट जो Z6 वेरिएंट है यहाँ पे बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल आता है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर इनके अंदर में नहीं मिलता है। अब भाई ऊपर देखो सनरूफ जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाती है, और जैसे जो ये रूफ रेल है ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाती है जो कि मेटल के अंदर में आती है, और शार्क फिन का एंटीना भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर में मिल जाता है। विंडो के नीचे क्रोम लाइन आपको सिर्फ Z8 वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी। जैसे क्या है अभी भाई दिल्ली में क्या है लोग बाग ये वाली क्रोम लाइन तो लगवा लेते हैं, ये वाली तो पूरी ये है कंपनी वाली फिटिंग के साथ में आ जाती है, पर जो ये वाली क्रोम लाइन है ना ये क्या होती है चिपकती है, तो अगर इसको चिपकवाना नहीं चाहते तो पूरा क्वार्टर ग्लास पैनल ही चेंज होता है, तो ये चीज़ बड़ी महंगी पड़ जाती है, तो लोग वो क्या इसके ऊपर चिपकवा लेते हैं। तो Z6 के अंदर आपको चिपकवानी पड़ेगी, ये चीज़ तो चेंज हो जाएगी पर यहाँ पे क्या आपको चिपकवानी पड़ेगी। अब देखो क्रोम में तो भाई काफ़ी तगड़ी सी लगती है लुक, पर यहाँ पे क्रोम के साथ में नहीं मिलती है, पर ब्लैक कलर में पूरा ब्लैक होता है ना पियानो फिनिश होती तो और ज़्यादा तगड़ी मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको एड्रेनोक्स भी मिल जाता है Z8 के अंदर भी और Z6 के अंदर भी। अब बैक प्रोफाइल से इन गाड़ियों में बताऊँ भाई क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। देखो डिफोगर और वाइपर आपको Z8 वेरिएंट के अंदर भी मिल जाता है और Z6 वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप और स्पॉइलर वो भी आपको Z6 वेरिएंट में और Z8 वेरिएंट में दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। अब भाई एक्स्ट्रा क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को कैमरा मिल जाता है जिसकी क्वालिटी अब इम्प्रूव हो चुकी है, अब इसके अंदर में लैग नहीं है, वो आपको इंटीरियर्स में जाके दिखा दूंगा। बाकी यहाँ नीचे की तरफ में जैसे आप देखोगे तो क्रोम भी मिल जाता है, सिल्वर गार्निश भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इसके जो टेलगेट है यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। बट जो Z6 वेरिएंट है आपको यहाँ पे कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं, और सिल्वर गार्निश और क्रोम वो दोनों ही चीज़ें गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब इनके बूट में ना भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर में आपको इतना कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। खुल जा बस भाई, सिक्वेंशियल इंडिकेटर है यहाँ पे Z8 वेरिएंट में, और जो Z6 वेरिएंट था यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलते हैं। एक जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे LED की लाइट्स हैं इसकी थर्ड रो में, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोई स्पीकर या सबवूफर नहीं मिलता, सिर्फ जाली सी ही दे रखी है। अब जो Z6 वेरिएंट है ना यहाँ पे देखो सिर्फ एक लाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है आपको थर्ड रो में LED में लाइट्स नहीं मिलेगी, और जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलेंगे, मतलब अनपेंटेड जो है यहाँ पे मिलेंगे। बट जो ये Z8 वेरिएंट है
यहाँ पे भाई ये सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाते हैं, जो कि बड़े प्रीमियम से लगते हैं। अब इनके इंटीरियर्स में दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस है। ये है अपनी Z6 की और ये है Z8 की। Z8 की में क्या है भाई, दोनों में ही बटन मिल जाते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। देखो मैं इसे दबाऊंगा, देखो ठीक है, दोनों के अंदर बटन है। पर Z6 के अंदर कंपनी क्या कर रही है कि एक में तो बटन है पर दूसरी जो की है यहाँ पे आपको डम्मी ही मिलती है, कोई बटन्स नहीं मिलते हैं। अब इनकी की के अंदर भी फीचर्स भी डिफरेंस है। जैसे Z8 है ये वेरिएंट, इसको मैं अनलॉक करने के बटन को लॉन्ग प्रेस रखता हूँ ना, तो इसके अंदर क्या है, जो इसकी विंडोज है वो रोल डाउन होगी और सनरूफ जो है वो भी इस गाड़ी की ओपन हो चुकी है। वहीं Z6 के अंदर मैं आप लोग को दिखाऊं, इसके मैं लॉन्ग प्रेस रखता हूँ तो इसके अंदर देखना आप, सिर्फ सनरूफ है वही ओपन हुई है, पर भाई जो इसके विंडोज है वो रोल डाउन नहीं हुए है। और लॉन्ग प्रेस भी रखूंगा ना तो इसके जैसे मान लो विंडो, इस पर लॉन्ग प्रेस रखता हूँ, रुको देखो इसके अंदर क्या है, विंडो भी रोल अप हो गई और सनरूफ भी बंद हो गई। उसके अंदर अगर विंडो खुली भी पड़ी है ना, उसको मैं लॉन्ग प्रेस रखूंगा तो सिर्फ सनरूफ ही बंद होगी, इसकी विंडोज है वो रोल अप नहीं होंगी। ना भाई पहले आपको Z6 वेरिएंट के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाती है। भाई धूप के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म सी हो रही गाड़ी। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, लेदर का वर्क नहीं है, यहाँ पे आपको रफ ब्लैक फिनिश मिलती है। जो इसके डोर हैंडल्स है ये आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं, बाकी जो ये वाले डोर हैंडल्स है ना ये आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का ही अरेंजमेंट मिलता है। फैब्रिक की यहाँ पे आपको सीट अपोलस्ट्री मिलती है। अब Z8 वेरिएंट के अंदर जाएंगे तब उसके अंदर दिखाऊंगा कि कौन सी सीट अपोलस्ट्री जो है उस गाड़ी के अंदर मिलती है। पीछे हो यार पहले, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल मिल जाता है। जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मिलता है ना ये आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, पर ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल और जो इसकी डिजिटल डिस्प्ले है उससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ पे भाई आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलेगा। अब इसके अंदर डिफरेंस की बात करेंगे Z8 में और Z6 में क्या क्या आएगी, वो चीज़ ना आपको नोटिस करा दूंगा मैं। अब देखो इसके डिस्प्ले के अंदर भी आप लोग को एक चीज़ कम मिलती है, वो इसके आपकी जाते हैं व्हीकल इन्फो के अंदर। व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम गए तो यहाँ पे ना आपको TPMS जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ पावर एंड टोर की मिलता है, बाकी मैप तो इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। अगर Z6 का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। ऑटो हेडलैम्प या ऑटो वाइपर जो है इस Z6 वेरियंट के अंदर में नहीं मिलती है। टच स्क्रीन डिस्प्ले भाई बिल्कुल सेम ही मिलती है आपको Z8 के अंदर भी और इस Z6 के अंदर भी। अब इस Z6 के अंदर क्या है, यहाँ पर रफ फिनिश दी गई है और यहाँ पे जो कॉर्नर्स है ना यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई ना कि क्रोम का यूज है। और जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड है ये वाला पार्ट ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। और जो स्कॉर्पियन की बैजिंग है वो भी भाई मतलब यूं ही नामचारे किस दे रखे हैं। अब Z8 वेरिएंट के अंदर जाके दिखाऊंगा कि वो कैसी मिलती है। यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं मिलते हैं, मैनुअल ही IRBM है, ये इसके सनरूफ के सारे कंट्रोल है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर या लैंप नहीं मिलता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी कोई मिरर या फिर लैंप जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे USB और एक आपकी फास्ट चार्जिंग के लिए USB मिल जाती है। ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लैंप, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ और SOS का स्विच, ये बिल्कुल सेम है। जो इस गाड़ी का आर्म रेस्ट है ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर ही मिलता है और स्पेसिंग वगैरह तो भाई बिल्कुल सेम ही मिलती है। और जो इसका ग्लोव बॉक्स है वो यहाँ पे आपको कूलिंग फंक्शन के साथ में मिल जाता है, बट इसके अंदर में कोई लैंप जो है आप लोगों को नहीं मिलता है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में मिल जाती हैं। जैसे देखो भाई यहाँ पे ना आपको एयर के वेंट पीछे की तरफ में मिल जाते हैं, पर एयर वेंट के चारों तरफ में आप देखोगे तो यहाँ पे भाई पियानो ब्लैक फिनिश ही दी गई है, कोई सिल्वर फिनिश का भी यूज़ नहीं मिलता है। और एयर फ्लो की आप यहाँ से एयर फ्लो को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और सी टाइप का सॉकेट है। Z6 का इंटीरियर्स देखने में आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे क्या आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है LED के अंदर में, और आगे की तरफ में भी आपको LED रीडिंग लैम्प जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। और जो पीछे वाले डोर हैंडल्स है ना यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा भाई। ये देखो यहाँ पे कोई आपको लेदर का वर्क नहीं दिया गया है और जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, और जो इसकी ये वाली डोर हैंडल्स है ये सिल्वर फिनिश के साथ में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही जो है सिल्वर फिनिश के साथ में ही मिलते हैं।
अब देखो जेड एट वेरियंट दिखाते हैं भाई क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपको लेदर का वर्क मिल जाएगा, पियानो ब्लैक फिनिश जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो ये वाले डोर हैंडल्स हैं भाई, यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश के साथ में दिए गए हैं। ये वाले डोर हैंडल्स भी जो है सिल्वर फिनिश के साथ में ही दिए गए थे। तो देखो भाई, देखने में ना ये वाली चीज़ ज़्यादा तगड़ी सी लग रही है कंपेयर करोगे तो। अब इस जेड एट वेरियंट में आप लोग को लेदर अपोलिस्टर की सीट कवर्स जो है मिल जाती है, लंबार सपोर्ट जो है और हाइट एडजस्टेबल सीट जो है वो दोनों ही वेरिएंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कोई स्विच जो है आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अब जो एक स्विच जो एक्स्ट्रा हो चुका है वो है इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का। अब इंटीरियर्स में देखो यहाँ पे क्या है, आपको लेदर रैप वाला स्टेयरिंग व्हील अब हो चुका है भाई, तगड़ा से लग रहा है। जो कंपनी से लेदर रैप होकर आता है ना उसकी तो बात ही अलग रहती है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल और इसके एम आई डी रिलेटेड कंट्रोल है। अब इसकी एम आई डी के अंदर देखो इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ एक चीज, हम गए व्हीकल इंफॉर्मेशन के अंदर और व्हीकल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको TPMS जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है और इनका टेम्परेचर भी जो है आप देख सकते हो। अब एक्स्ट्रा जो चीज़ होगी आपकी यहाँ पे होगी, देखो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश होगी और यहाँ पे क्या है आपका क्रोम का यूज़ जो है इसके अंदर में हो गया। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा हो गया, जो कि ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अब हो गया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम ही मिलता है। यहाँ पे भी बेसिकली कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। वही IRVM है, सनरूफ का कंट्रोल वंट्रोल यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। अब जो चेंज आएगा वो यहाँ पे पैसेंजर साइड सनवाइजर में है। यहाँ पे मिरर और लैंप दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है, वो तो भाई दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम था और ZL में भी बिल्कुल सेम है। ऑटो हेडलैम्प अब इस गाड़ी के अंदर में हो चुकी है और ऑटो वाइपर भी जो है अब इस गाड़ी के अंदर में हो चुके हैं। आर्मरेस्ट यहाँ भाई आपका लेदर वाला हो चुका है, चीज़ें तो भाई बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, उसके अंदर भी कुछ नहीं था। कूलिंग फंक्शन वाला है ये इसका ग्लो बॉक्स, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अब रीडिंग लैम्प भी जो है एक्स्ट्रा मिल चुकी है भाई। लेदर वाली सीट का और फैब्रिक वाली सीट का थोड़ा बहुत तो कंफर्ट का डिफरेंस आती है, पर जो फिटिंग विटिंग आती है ना बैठने में वो इस लेदर वाली सीट में ही आप लोगों को मिलती है। अब पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे देखो मेन चीज़ें सिर्फ यहाँ पे एयर वेंट के अक्रॉस देख रहे हो, ये सिल्वर फिनिश ये इसके अंदर में एक्स्ट्रा है और बाकी इसके डोर पैड पे देखोगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश और जो लेदर का वर्क है ये एक्स्ट्रा है और जो ये डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे क्या आपके सिल्वर फिनिश के हो चुके हैं। अब Z8 का इंटीरियर्स देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लगेगा कंपेयर करोगे Z6 से। तो वही बात है यार, जितना गुड़ डालोगे तो उतना तो मीठा होता ही है।